और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर या दुकान के दक्षिण पश्चिम दिशा में किस रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस दिशा में सबसे अच्छा है येलो स्टोन, यानी पीले रंग के मार्बल का चुनाव करना अच्छा माना जाता है। इस दिशा में पूरे फर्श पर येलो स्टोन लगाने के बजाय अगर आप चाहें तो थोड़े हिस्से में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से घर या दुकान का पोषण बना रहता है, न्यूट्रिशन बना रहता है, न्यूट्रिशियस वैल्यू उसकी बनी रहती है। अब पैसे का पोषण क्या मतलब? मतलब ये है कि पैसे की जब आपको ज़रूरत है तो आपको पैसा मिल जाएगा। वहाँ वर्क जो काम कर रहे हैं उनके शरीर में विटामिंस और मिनरल्स की कमी नहीं होगी, और जब स्वास्थ्य अच्छा है तो साउंड माइंडेड एंड साउंड बॉडी। तो ये अच्छा, जैसे दक्षिण पश्चिम में आपका हो गया पीला रंग, वैसे साउथ दिशा में अगर आपको लगाना है तो आप रेड नेचुरल स्टोन या लाल रंग से कोई डिज़ाइन आपको बनवानी चाहिए। इससे घर के लोगों में एनर्जी लेवल बना रहता है, उस संकाय को बहुत ही यश और सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन स्टोन खरीदते समय अगर नेचुरल स्टोन होगा तो बेटर होगा, लेकिन अगर नेचुरल नहीं होगा तो भी रेड कलर भी उस दिशा में अच्छा काम करेगा, जो उस संकाय या व्यक्ति के यश को मेंटेन करेगा।